भ्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए इस गाथा में बताया कि अनुतरम धम्म मुई रईता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जो धर्म का उपदेश दिया, जिस धर्म का उपदेश दिया वो परमात्मा का धर्म अनुत्तर धर्म था। अनुत्तर यानी कि सर्वश्रेष्ठ, कि ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म परमात्मा ने बताया कि जिस धर्म में धर्म ध्यान की प्रमुखता है, जिस धर्म में दान सील तप और भाव रहा हुआ है, यानी कि धर्म चार प्रकार का है। धर्म के चार प्रकार है और इसीलिए जब तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत परमात्मा जब समोसरण में विराजमान होकर धर्म देशना देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, तो उस समय चारों दिशाओं में बैठकर परमात्मा धर्म देशना देते हैं, यानी कि परमात्मा के चार मुख होते हैं। कितने? परमात्मा चार मुख धारण करते हैं और ये देवताएं सारी व्यवस्था करते हैं। मेन दिशा में तो परमात्मा स्वयं बैठते ही है, लेकिन शेष तीन दिशाओं में देवता परमात्मा का प्रतिबिंब बनाते हैं और प्रतिबिंब बनाकर हुबहू परमात्मा जैसे, यानी लोगों को, क्योंकि चारों दिशाओं में लोग बैठे हुए होते हैं, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इस तरह से कहते हैं कि चारों दिशाओं में जिस जिस दिशा में व्यक्ति बैठा हुआ है उसको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि प्रभु मेरे सामने विराजमान होकर धर्म देशना दे रहे हैं। यानी चेहरे का, फेस का भी महत्व होता है, हाव भाव, और हाव भाव से बोला जाता है, सुना जाता है, वक्ता हाव भाव से बोलता है, प्रवचन देता है, तो देखने वाला सुनने वाला हाव भाव से भी समझ लेता है। यानी कई ऐसी बातें होती हैं, वो श्रोता सुनता तो है लेकिन हाव भाव से भी वो समझ जाता है, ग्रहण कर लेता है कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं,
तो इस समोसरण में परमात्मा चार मुख धारण करते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने कहा है कि परमात्मा ने चार मुख धारण क्यों किए, तो दानशील तपोभाव भेदा धर्म चतुर्विधम मन्ये युग पदाख्यातुम चतुर्वक्त्रो अभवद् भवान। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा कहते हैं कि परमात्मा ने चतुर्मुख धारण क्यों किया, तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि परमात्मा को दान शील तप और भाव इन चार प्रकार के धर्मों का उपदेश देना था, धर्मोपदेश देना था, और इसीलिए परमात्मा ने चार मुख धारण किए। तो ये चार प्रकार के धर्मों में तप धर्म आता है, तीसरे नंबर में तप धर्म आता है। तो अपने यहां पर अपने धर्म में तप का विशेष महत्व है कि कोई भी साधक महापुरुष या तीर्थंकर परमात्मा, जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा अंगीकार करते हैं तो उस दिन भी परमात्मा का तप होता है, यानी धर्म का शुभारंभ तप से होता है। श्री गणेश तप धर्म से होता है, और इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा जैसे तीर्थंकर परमात्मा कि जिसको मालूम है, भली भांति मालूम है कि मुझे केवल ज्ञान होने वाला है, मेरा मोक्ष गमन होने वाला है, यानी कि मैं मोक्ष में जाने वाला हूं, ये सब कुछ जानते हुए भी तीर्थंकर परमात्मा तप धर्म को अपनाते हैं, तपस्या करते हैं, उग्र तपस्या करते हैं। हमारे तीर्थंकर परमात्माओं के जो साधना काल है, अपने अपने साधना काल में तीर्थंकर परमात्मा तपस्या करते हैं, आराधना साधना करते हैं। कहते हैं कि आदिनाथ परमात्मा ने जब दीक्षा ली और दीक्षा के दूसरे दिन से ही परमात्मा के उपवास प्रारंभ हो गए, यानी तप चालू हो गया, और एक वर्ष तक परमात्मा उपवास करते रहे, तपस्या में रहे, और हस्तिनापुर नगरी में पधारे तो श्रेयांश कुमार के द्वारा परमात्मा का पारना हुआ। यानी इस अवसरपिनी काल का प्रथम पारना हुआ, उपवास का पारना हुआ। क्या हुआ? उपवास का पारना हुआ, यानी तीर्थंकर परमात्मा, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद
जब उसका पारणा आता है, तीर्थंकर परमात्मा का पारणा होता है, तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पारणा करवाया उसका भी नाम है। पारणा कराने वाले का नाम है, उल्लेख है। क्या है उल्लेख है? जैसे भगवान महावीर स्वामी का पारणा हुआ तो परमात्मा ने मासक समन किया, द्विमासक समन किया, कभी 3 मास की तपस्या की, कभी चतुर्मासी की, चौमासी तप किया और कभी 6-6 महीने उपवास किए। तो कहते हैं कि तपस्वी का पारणा यानी तीर्थंकर परमात्मा का पारणा करवाया, जिस जिस भाग्यशाली के द्वारा परमात्मा का पारणा हुआ, पारने का लाभ लिया, तो कहते हैं कि उन व्यक्तियों का, महानुभावों का नाम लिया गया है। कल्प सूत्र में नाम लिया गया है, उसका उल्लेख आता है कि किसने पारणा करवाया। जैसे हमारी चंदन बाला ने कैसी अवस्था में परमात्मा को पारणा करवाया कि वो दासीपना प्राप्त हुआ है, पावों में बेड़ी लगी हुई है, मुंडन हो चुका है, एक भी केस नहीं है और 3-3 दिन के उपवास हो चुके हैं और वो उड़द के बाकुले उसको खाने के लिए दिए गए थे, 3 दिनों की भूखी है और कोई घर में कुछ रसोई तैयार नहीं थी तो ये बाकुले ही तैयार थे, तो धनावर सेठ ने बाकुले दिए और उसकी बेड़ियाँ वगैरह तुड़वाने के लिए वो बाहर जाता है, बाजार में जाता है, किसी लुहार को बुला के ले आता हूँ, ऐसा करके वो जाता है। और इतने में श्रमण भगवान महावीर स्वामी वहाँ पर पधार जाते हैं। परमात्मा ने देखा कि मेरा एक अभिग्रह यानी सारे अभिग्रह मेरे पूरे हो रहे हैं, परिपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन एक अभिग्रह की कमी है, न्यूनता है, तो परमात्मा आगे बढ़ जाते हैं। यानी बिना पारणा किए ही परमात्मा आगे चलने लगते हैं। तो उस समय चंदन बाला का हृदय भर जाता है और आँखों में से आंसू टपकने लगते हैं। वो सोचने लगती हैं कि प्रभु भी मेरे प्रांगण में आकर मुझसे बिना पारणा किए ही चले जा रहे, मैं तो वैसे ही दुखियारी हूँ और ये परमात्मा भी जा रहे बिना ग्रहण किए, बिना दान ग्रहण किए परमात्मा जा रहे हैं। तो उस समय परमात्मा ने देखा कि अब मेरा अभिग्रह परिपूर्ण हो चुका है, तो चंदन बाला की भक्ति यानी तीर्थंकर परमात्मा के बड़े हुए चरण वापस मुड़ते नहीं है, लेकिन चंदन बाला की भावना में, उसके दिल के भावों में, भक्ति भावना में ऐसी ताकत थी कि परमात्मा के श्री चरण वापस मुड़कर आए और चंदन बाला से बाकुले ग्रहण किए और परमात्मा ने पारणा किया। तो यहाँ पर चंदन बाला का नाम है यानी महावीर प्रभु ने पारणा करके, चंदन बाला के कर कमलों द्वारा पारणा करके चंदन बाला का उद्धार कर दिया, अपने श्री संग में दीक्षित किया, साध्वी बनाई, दीक्षा अंगीकार करें, प्रथम साध्वी यानी साध्वी प्रमुखा बनी। तो ऐसी चंदन बाला, तो जिन जिन महानुभावों ने तीर्थंकर परमात्मा का पारणा करवाया उन पुण्यशालियों का
यहाँ पर नाम है। कल्प सूत्र में नाम आते हैं कि किस व्यक्ति ने परमात्मा को पारना करवाया, तो ये सारा उल्लेख कहते हैं कि तपस्या करने वाला तो महान है, तपस्वी है, लेकिन जो पारना करवाता है कहते हैं कि वो भी अपना कल्याण कर लेता है, आत्म कल्याण कर लेता है। यहाँ पर तो हम अपने यहाँ पर बताया गया कि करना कराना और अनुमोदना करना, सरीखा फल उपजे। क्या कहते हैं कि करना यानी तपस्या करना, और कोई तपस्या करता है तो उसकी तपस्या में हेल्प करना, मदद करना, तपस्या कराना और तपस्या की अनुमोदना करना। क्या करना? अनुमोदना करना। अरे याद करो उस बलभद्र मुनि को कि बलभद्र मुनि मासक समन के पार ने मासक समन करते थे, वो जंगलों में ही रहते थे। जब पारना होता था तो गांव में आते थे, नगर में आते थे और वापस जंगल में चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो नगर में आ रहे थे तो बाहर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, तो एक महिला घड़े को बांध के नीचे उतार रही थी, तैयारी कर रही थी, घड़ा बांधने की तैयारी कर रही थी रस्से से। और इतने में महाराज जी वहां पास में पहुंच गए, कुएं के पास से गुजरने लगे तो महिला का ध्यान महाराज जी की ओर गया। साधु भगवंत को देखा और देखते देखते इधर उसका काम चालू था, यानी घड़े की जगह उसने जो बच्चा साथ में आया था, छोटा सा बच्चा साथ में आया था, उसी को लेकर वो उसके गले में वो रस्सी बांधने लगी। और महाराज जी ने तुरंत देख लिया कि अरे बहन ये तू क्या कर रही है, घड़ा बांध रही है, अपने बालक को बांध रही है। उसने देखा तो उसको बड़ा अफसोस, बड़ा दुख हुआ कि अगर महाराज जी ने इशारा नहीं किया होता तो आज मेरा बच्चा चल बसता, यानी अनर्थ का अनर्थ हो जाता। तो ये घटना से महाराज जी ने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया कि ये जो दुर्घटना बन रही थी उसमें मैं भी निमित्त हूँ। मैं नगर में आया तब ये ऐसा बना ना, मैं आता ही नहीं तो ये बहन मुझे देखती नहीं और ऐसा होता नहीं, ये ऐसा बनाव बनता नहीं, तो आज से मैं नगर में आना भी बंद करता हूँ। यानी उन्होंने नगर में आना बंद कर दिया कि मेरे आने से अगर कोई इस पंचेंद्री का वध हो जाता है, हिंसा हो जाती है, तो ये मेरे लिए शोभास्पद नहीं है। भले ही मेरा मासक समन का पारना होगा और कोई भी जंगल में आएगा तो उससे मैं अपना पारना कर लूँगा, लेकिन नगर में पारना करने के लिए मैं नहीं आऊँगा। और ऐसा करके उन्होंने नगर में आने का त्याग कर दिया, बंद कर दिया, और अब वो जंगल में ही पारना करते थे। यानी तपस्वी का भी पुण्य होता है, कोई न कोई मिल जाता है, पारना कराने वाले वाला भी मिल जाता है। तो वहाँ पर जंगल में ही तो रहते थे, तो महाराज जी के पास सैर बाघ वगैरह सब लोग जितने जानवर थे वो जानवर महाराज जी के पास आकर बैठते थे।
यानी महाराज जैसे लोग दर्शन करने आते हैं, वैसे ही जंगल के जो जानवर थे वो जानवर महाराज जी के पास में आकर बैठते थे, महाराज जी ध्यान करते थे वगैरह, तो मतलब वो आकर बैठते थे, महाराज जी उससे बात भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर आकर बैठते थे, उनको बड़ी खुशी बड़ी शांति मिलती थी। तो उन जानवरों में एक हिरण था, तो हिरण हमेशा महाराज जी के साथ रहता था, यानी एक तरह से वो सेवा में ही था, यानी विशेष राग वाला हो गया और महाराज जी को कभी छोड़ता नहीं था। और वो कहीं इधर उधर देख के आ जाता कि जंगल में कोई आया है तो महाराज जी को इशारा करता और वो आगे आगे चलता और महाराज जी पीछे पीछे, तो इस तरह से महाराज जी का पारना हो जाता था। तो एक दिन महाराज जी का पारना है, मासक समन पूरा हुआ, आज महाराज जी का पारना है, तो हिरण इशारा करने लगा, सुबह सुबह इशारा करने लगा कि पधारिए, तो महाराज जी उसके संकेत इशारे पर तैयार हो गए और चलने लगे, तो हिरण लेकर गया। तो वहाँ पर एक सारथवाह आया हुआ है लकड़ियाँ लेने के लिए, वो आया हुआ है, उसके पास बहुत बड़ा काफिला है, बहुत सारे लोगों को पुण्य है कि ऐसे उग्र तपस्वी है कि मासक समन के पारने मासक समन करते हैं और ऐसे महातपस्वी का पारना करवाने का ये भाग्यवान लाभ ले रहा है, मैं कितना अभागा हूँ। हिरण अपने मन में सोच रहा है कि मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा इतना पुण्य नहीं है कि मैं ऐसे तपस्वी का लाभ ले सकूं, क्योंकि मैं तिर्यंश योनि में हूँ। कहाँ पर हूँ? मैं तिर्यंश योनि में हूँ, मैं पशु बना हुआ हूँ और इसलिए मुझे ये लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन धन्य है ये महानुभाव कि तपस्वी का पारने का लाभ ले रहा है, क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है। तो हिरण अनुमोदना कर रहा है, महाराज जी की भी अनुमोदना कर रहा है और जो पारना करवा रहा है उसकी भी अनुमोदना कर रहा है, दोनों की अनुमोदना कर रहा है। और इतने में क्या हुआ कि एक जोरों का हवा का झोंका आया और हवा आते ही थोड़ा सा वो पेड़ बचा हुआ था काटने में, और कहते हैं कि हवा आने से पेड़ गिर पड़ा, तीनों के ऊपर पेड़ गिर पड़ा और तीनों दब गए। और वो इतना बड़ा पेड़ था, बड़ी बड़ी उसकी डालियां थी, शाखाएं थी, तो डालियों शाखाओं के जब पेड़ के नीचे तीनों दब गए और दब कर तीनों के प्राण पंखेर उड़ गए, यानी महाराज जी भी नहीं रहे, पारना करवाने वाला भी नहीं रहा और हिरण भी दब गया, यानी तीनों का काल धर्म हो गया। क्या हुआ? तीनों का काल धर्म हो गया, लेकिन तीनों मर कर देवलोक में पैदा हुए, यानी एक ही जगह पर पैदा हुए। महाराज जी जहाँ पैदा हुए वहाँ पर पारना कराने वाला भी पैदा हुआ देवलोक में, और हिरण ने तो कुछ किया ही नहीं। हिरण ने क्या किया? कोई तपस्या की या पारना करवाया क्या? हिरण ने कुछ नहीं किया था, लेकिन सिर्फ उन्होंने अनुमोदना की, तपस्या की अनुमोदना की और पारना कराने वाले की अनुमोदना की कि बड़ा भाग्यशाली है कि सुंदर लाभ ले रहा है। और कहते हैं कि अनुमोदना के प्रभाव से हिरण भी वहाँ पर ही पैदा हुआ, यानी तीनों को समान फल मिला। क्या मिला?
तीनों को समान फल मिला और तीनों देवलोक में उत्पन्न हुए। तो ये कहानी कथानक हमको बताता है कि कोई तपस्या करता है या करवाता है और करने वालों की अनुमोदना करता है, तो कहते हैं कि वो भी अनुमोदना करने वाला भी फल प्राप्त कर लेता है, उसको भी लाभ मिल जाता है। जो तपस्वी को लाभ मिलता है, जिस फल की प्राप्ति होती है, कहते हैं कि अनुमोदना करने वाले व्यक्ति को भी लाभ मिल जाता है। तो आज बड़े सौभाग्य, बड़े खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि शिरोमणि श्री संघ लुधियाना के प्रांगण में ओली का, नवपद जी की ओली की आराधना का बहुत सुंदर आयोजन हुआ। श्री आत्मानंद जैन सभा के मार्गदर्शन में श्री आत्म वल्लभ महिला मंडल, हमारी माताजी जो बड़ी बुजुर्ग है, दर्शना रानी और हमारी माताजी कमलेश जी, ये बहनों की तरफ से ये पूरा आयोजन होता है, ओली का सुंदर आयोजन होता है और 9 दिनों तक ये बहनें खड़े पांव रहती हैं और तपस्वी को किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, इसका वो पूरा पूरा ध्यान रखती है। अपने घर का काम छोड़कर 10-11 बजे यहाँ पर सुबह सुबह में आ जाती हैं और रोटियाँ बनाना वगैरह रसोई में भी पूरी मदद करती है, परोसने करने में सारी मतलब वो सेवा देती है, 9 दिनों तक सेवा देती है। तो ऐसी माताओं की, बहनों की जितने भी सराहना की जाए, अनुमोदना की जाए, उतनी कम है। यानी तपस्या करने वाले करते हैं, लेकिन तपस्वियों को साथ सहयोग देना ये भी बड़ी बात है। तो दूसरे नंबर में ये जो इतनी बड़ी शाश्वती ओली है, 9 दिनों के आंबिल हैं और उसका संपूर्ण जो लाभ है, पारने का जो लाभ है, ओली करवाने का जो लाभ है, वो हमारे धर्मनिष्ठ रोशन लाल जी, सुधीर जी, श्रैनिक टेक्सटाइल्स वालों ने ये सुंदर लाभ लिया। यानी इनकी जो ओली थी वो चैत्र मास की ओली थी, नंबर चैत्र मास की ओली का था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चैत्र मास की ओली संपूर्ण भारत में नहीं हो पाई। यानी जितने भी हमारे संघ हैं, भारत भर के जितने भी संघ हैं, जैन संघ है, छोटे बड़े जितने भी संघ हैं, कहते हैं कि सभी जगह पर ओली स्थगित कर दी गई। यानी सामूहिक रूप में आंबिल नहीं हुए। अगर किसी को करना है तो अपने अपने घर में करें, लेकिन इस तरह से सामूहिक आयोजन नहीं होगा। यानी कई साधु साध्वी ओली करवाने के लिए ही संघ में पहुंचे थे, क्या कि हम संघ में जाएंगे, हम ओली कराएंगे। हमारे साध्वी जी महाराज, सौम्य दर्शना सी, सौम्य प्रभास सी जी महाराज ओस्त्रा से विहार किया तो अजमेर का विहार, यानी हमको अजमेर जाना है, अजमेर पहुंचना है और अजमेर में हमको जाके ओली कराना है,
नवपद जी की ओली कराना है, इस भावना से वो ओस्त्रा से विहार करके अजमेर आए। और ये बीच में ही हम अजमेर पहुंचे और पहुंचते ही दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया, ओली बोली सब कुछ कैंसिल हो गया। यानी ऐसे कई साधु साध्वी ओली करवाने के लिए संघों में पहुंचे थे, पहुंच भी गए थे, लेकिन इस तरह से अचानक महामारी आ गई, एक कोरोना आ गया और कोरोना के कारण क्या था कि सब कुछ मतलब बंद ही हो गया। अरे ये बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, ये प्लेयर्स होते, क्रिकेटर होते हैं, कहते हैं कि ये क्रिकेटर वगैरह सब कुछ मतलब बंद ही हो, खेल बेल भी सब कुछ बंद ही हो गया, यानी पूरा लॉकडाउन हो। ऐसा कभी होता है क्या? यानी इतने लंबे समय तक सब कुछ व्यापार वगैरह धंधा काम धंधा वगैरह बंद और अपने अपने घरों में बैठे रहना, क्या ऐसा होता है क्या? कर्फ्यू भी लगता है तो एक दो दिन का होता है, यानी दो दिन के बाद कर्फ्यू भी खुल जाता है, लेकिन ये ऐसा समय आया कि महीनों तक लोग अपने अपने घरों में ही बंद रहे, अपने अपने घरों में बैठे रहे। और बहुत सारे ऐसे चातुर्मास थे, हमारे चातुर्मास थे, वो भी रद्द हो गए, कैंसल हो गए। जिस किसी को पालीताना जाना था, किसी को बंबई जाना था, तो कहते हैं कि सारे चातुर्मास कैंसल हो गए। और जो जहाँ था वहीं पर आजू बाजू में चातुर्मास कर लिया। हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत जी का चातुर्मास मुरादाबाद में निश्चित हुआ था और साहिब जी विहार करके निकल भी गए थे, अहमदाबाद पहुंच भी गए थे, लेकिन अहमदाबाद पहुंचने के बाद लॉकडाउन हुआ और दो तीन महीने वहीं पर बाजू में तीर्थ है बाहर, वहां पर रुके और उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया कि अब मैं मुरादाबाद नहीं पहुंच सकता हूं, तो मैं अब पावागढ़ तीर्थ में चौमासा कर लेता हूं। ऐसा करके साहिब जी ने पावागढ़ तीर्थ में चौमासा कर लिया। तो ऐसे कई आचार्य भगवंतों ने अपने अपने तीर्थों में चातुर्मास कर लिए। तो मेरा भी ऐसा ही था कि मेरा चातुर्मास तो लुधियाना में था। कहाँ था? पहले से श्री संघ ने विनंती की थी और सब कुछ पक्का हो गया था और मुझे पहुंचना था हस्तिनापुर कि मेरा वर्षी तप का मुझे पारणा करना है, और मैं अजमेर तक तो पहुंच ही गया था। अब मुझे अजमेर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से हस्तिनापुर ही पहुंचना था, लेकिन अजमेर में ही लॉकडाउन हो गया। हम दो महीने तक वहीं पर रुके रहे और दो महीना रुकने से अब ऐसा हो गया कि अब लुधियाना चौमासा नहीं होगा, मैं जा नहीं पाऊंगा, अब मुझे यहीं पर राजस्थान में ही चौमासा करना पड़ेगा, ऐसा मैं सोच रहा था। मैंने आशा भी छोड़ दी थी, लेकिन ये श्री संघ का आग्रह और ये पंजाबी गुरु भक्तों की भावना, भक्ति भावना, ये श्री संघ की, पंजाब श्री संघ की भक्ति भावना मुझे खींच कर ले आई। हमारे साध्वी जी महाराज, सुमनि शास्त्री जी महाराज, हमारे श्री संघ के प्रधान भारती जी वगैरह ने मेरे से बात किया और बोले कि आप पधारो तो अच्छी बात है, हम सारी व्यवस्था करेंगे। अभी ऐसा है कि पूरे पंजाब में एक भी साधु भगवंत नहीं है, यानी पूरा पंजाब खाली है, यानी यहाँ पर कोई एक भी साधु महाराज नहीं है, और आपको आना था, पधारना था, लेकिन ऐसा वातावरण हो गया है। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है, और बीच में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छूट दी थी साधु साध्वियों को कि जिसको जहाँ चौमासा करना हो आप जा सकते हैं, और बीच में थोड़ा ढीला भी पड़ गया था लॉकडाउन,
तो उस समय उन्होंने भी कहा कि किसी को विहार करके जाना हो तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट नहीं होगी, ऐसा मतलब हुआ। तो इतने में हमारी विहार कमेटी आगे आई, ये हमारे अनिल जी पाटनी हैं, भूषण जी हैं, निखिल जी हैं, ये सब मिले और उन्होंने कहा कि महाराज जी को लाना ही है। और मेरी सेवा में वहाँ पर गाड़ी पहुँच गई, अनिल जी आए, हमारे संतोष जी आए, सब मतलब लोग आए। और इस तरह से हमने वहाँ से 24 तारीख को वहाँ से विहार किया और 24 को यहाँ पर प्रवेश कर लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर आए, यानी हमको हमको तो कोई आशा नहीं थी कि इतने सारे कार्यक्रम होंगे वगैरह, हमको तो यही कि जाके हमको बैठना है, क्या करना है, जाके हमको बैठना ही है। लेकिन यहाँ पर आने से प्रवचन प्रतिदिन हुआ है, हमारा पर्युषण पर्व भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ, आराधना साथ भक्तामर पूजन, सिद्ध चक्र पूजन वगैरह, नवकार महामंत्र वगैरह मतलब ऑनलाइन हुआ है, यानी महापूजन भी ऑनलाइन पर हुए, कार्यक्रम हुए, बहुत सारे कार्यक्रम हुए सारे ऑनलाइन पर, और प्रवचन भी ऑनलाइन पर, यानी ये पहली बार ये जो मेरा प्रवचन हुआ है ऑनलाइन पर, ये फर्स्ट बार हुआ है। और भले ही लोग यहाँ पर उपाश्रय में नहीं आए, नहीं पहुँच पाए, लेकिन अपने अपने घरों में, चाहे लुधियाना का हो, चाहे जलंधर का हो, चाहे होशियारपुर का हो, पट्टी का हो, नकोदर का, पूरे पंजाब ने अपने अपने घरों में प्रवचन का लाभ लिया है, प्रवचन सुना है, यहाँ तक कि राजस्थान बम्बई में मैंने कई चातुर्मास किए हैं, तो बम्बई वालों ने भी अपने अपने घरों में प्रवचन सुना है, पर्युषण पर्व के प्रवचन सुने हैं। कई बहनों के मेरे पर लेटर भी आए कि महाराज जी हम तो आपसे बहुत दूर बैठे हुए हैं, पूना वगैरह आजू बाजू के गांवों में, हम वर्धा वगैरह में हम यहाँ पर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, आपके दर्शनों के लिए तो हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपने हमको सौभाग्य दिया, प्रवचन सुनने का सौभाग्य दिया, हमारी जो सास है, सास बाहर जा नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, लेकिन मेरी सास ने भी प्रतिदिन प्रवचन सुना है, यानी प्रवचन सुनने का लाभ लिया है। तो ये सारा आपने लाभ लिया, और श्री संघ ने भी ये सुंदर आयोजन किया, हमारे मंत्री जी संजीव जी प्रतिदिन यहाँ पर आते थे, संजीव वगैरह सब, मतलब हमारा विक्की वगैरह और हमारा आत्म चैनल वाले भाई प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और लेकर जाते हैं, और शाम को 8:30 से 9 बजे तक आत्म चैनल पर भी प्रवचन आता है। तो इस प्रकार से ये ऑनलाइन पर प्रवचनों का लाभ हुआ, और ये ओली यानी सारे कार्यक्रम ऑनलाइन पर हुए, सामूहिक रूप में कोई तपस्या भी नहीं हुई, लेकिन ये चातुर्मास में ये नवपद की ओली की जो आराधना है वो सामूहिक रूप में हुई, और बहुत सुंदर आराधना हुई है, यानी लगभग 80 जितनी ओलियाँ हुई, दूर दूर से माताएं आती है, ऋषि नगर, हमड़ा रोड, इधर सिविल लाइन, सुंदर नगर, इधर मतलब दूर दूर से तपस्वी लोग आकर, सभी ने यहाँ पर आकर आम्बिल तप किया है, 9 दिनों तक आम्बिल तप किया है, नव पद की आराधना की है। और ये 9 पदों की आराधना कराने वाले, मैं वापस दोबारा दोहराना चाहता हूँ, ये भाग्यशाली जो परिवार है, खानगा डोगरा जो परिवार है, वो बड़ा भाग्यशाली, और ये समय समय पर ये परिवार ऐसे धार्मिक कार्यों में लाभ लेता रहता है। अरे गुरु आत्मा राम जी महाराज साहिब की जो समाधि है वो तो पाकिस्तान में रह गई, गुजरावाला में रह गई, लेकिन इस परिवार ने आत्मा राम जी महाराज साहिब की समाधि
हरिद्वार में बनाई। कहाँ बनाई? हरिद्वार तीर्थ में बनाई। कितना सुंदर अनुमोदनीय काम है। गुरु भक्ति का ऐसा बेनमून कोई ऐसा उदाहरण मिल सकता है क्या? ऐसी गुरु भक्ति, यानी जब दिल में गुरु भक्ति होती है तब ऐसे कार्य होते हैं। हमारे परमार क्षत्रियोद्धारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदिन सुरीश्वर जी महाराजा का अंतिम चातुर्मास हरिद्वार में हुआ, तो उस समय हम सभी को लेकर गुरुदेव वहाँ पर गए थे, वासक्षेप डाला था, आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पर होना चाहिए, समाधि स्थल होना चाहिए, और ये समाधि स्थल तैयार हुआ। और इस तरह से ये परिवार ने ऐसा बीड़ा उठाया कि हमको ये काम करना है, और ऐसे हरिद्वार जैसे तीर्थ में समाधि स्थल होना, यानी ये जो तीर्थ है हरिद्वार, यानी जैसा हम पालिताना मानते हैं, हमारे लिए जैसा सिद्धाचल तीर्थ है यानी श्रद्धा का स्थान हमारा पालिताना है, वैसा ही हिंदू धर्म का अगर कोई पवित्रतम अगर कोई तीर्थ है तो वो हरिद्वार है। कौन है? हरिद्वार है। तो ऐसे तीर्थ में समाधि का निर्माण गुरुदेव को विराजमान, चरण पादुकाएं वगैरह विराजमान की है। तो ऐसे परिवार की जितने भी अनुमोदना की जाए, ये लुधियाना श्री संघ में भगवान की पसवारियाँ, हस्तिनापुर तीर्थ में, इधर हमारा होशियारपुर में पसवारियाँ, ऐसे कई कार्य इस परिवार के द्वारा हुए हैं। तो ऐसे परिवार के लिए भी मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, और देव गुरु और धर्म में ये परिवार की धर्म भावना बढ़ती रहे, यही शुभ मंगल कामना कर।